हाय गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु और आप देख रहे हो मेरे ही चैनल दीप्तनु शील को। तो आज के इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू कॉन्टैक्ट डायरेक्टली विथ फेसबुक सपोर्ट टीम। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन फेसबुक मोनेटाइजेशन से रिलेटेड आ रहा है और मोनेटाइजेशन के बाद भी आप लोग बहुत सारे इशू फेस कर रहे हो। तो आज के ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए एक पूरा सोल्यूशन वीडियो। ये वीडियो मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद बनाया है क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है पे आउट को लेके, पे आउट इनवॉइस को लेके, फिर मेरे वीडियोस पे ऐड नहीं आ रहा है। फेसबुक पेज के जितने सारे वीडियो है पहले पहले ऐड आया, अभी ऐड नहीं आ रहा है। सर बताओ मैं क्या करूं, सर मेरा मोनेटाइजेशन पहले एक्टिव था अभी इनएक्टिव हो गया है, डिसेबल कर दिया गया है। मेरा पे आउट जो है वो मेरे इनवॉइस जो है मैं पे आउट सेक्शन पे देख नहीं पा रहा हूं। पहले क्यों नहीं दिख रहा हूं, पहले तो दिखाई दिया अब क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसा इशू है, क्यों ऐसा हुआ है। तो ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन भर भर के रोज मेरे चैनल पे आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद आज आप लोगों के लिए ये आपके क्वेश्चन का, सारे क्वेश्चन का एक सोल्यूशन लेके आया है कि आप कैसे फेसबुक सपोर्ट टीम को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करो और आपके प्रॉब्लम जो भी हो रहा है आपको, इस इशू को कैसे सपोर्ट टीम तक पहुंचाओ ताकि आपका जो इशू है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। तो ये वीडियो फेसबुक क्रिएटर के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना, आपको आप प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आपको फेसबुक सपोर्ट टीम से संपर्क करना है और आपके क्वेरी को रेज करना है ताकि जल्द से जल्द आपका जो क्वेरी है वो सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को प्रैक्टिकली आज बना रहा हूं, आप लोग जरूर देखना। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो फेसबुक पे लाने के लिए और ऐसे ही आपका सपोर्ट बना के रखना। तो आज नो मोर फर्दर डिले, चलिए आप प्रैक्टिकली मैं कंप्यूटर के मॉनिटर पे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आपको ये जो सपोर्ट टीम है उससे संपर्क करना है, क्या कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा करना है ताकि आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द आपको मिल जाए। दोस्तों मैं हूँ मेरे लैपटॉप के मॉनिटर पे। तो यहाँ पे आप लोग जो पेज अभी खुला हुआ देख रहे हो ये है एक्चुअली फेसबुक क्रिएटर एड ब्रेक सपोर्ट वाला पेज। इसी पेज पे अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है या फिर आपको कोई भी, जैसे आपके फेसबुक पेज के जो वीडियोस है उस पर ऐड पहले आता था मगर अभी नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड भी कोई इशू है तो यहाँ पर जाके ही आप लोग जो टीम है फेसबुक का, जो इंजीनियर है फेसबुक का, उनसे संपर्क कर सकते हो वो भी डायरेक्टली। तो ये कैसे आप लोगों को करना है ये मैं दिखा दूंगा और जो लिंक अभी ओपन आप लोग देख रहे हो इस लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आपको सिंपली से आपका जो प्रोफाइल है फेसबुक का उसको लॉग इन हो जाना है ब्राउज़र से, उसके बाद इस लिंक को आपके ब्राउज़र से ओपन कर लेना है। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपके सामने भी कुछ ऐसा ही इंटरफेस खोल के आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रोडक्ट सपोर्ट करके लिखा है और उसके ठीक नीचे जो लिखा है व्हाट टाइप ऑफ इशू आर यू एक्सपीरियंसिंग, तो यहाँ पे डायरेक्ट पूछ रहा है आपको आपका कौन सा इशू है। क्या आपका ऑनबोर्डिंग पेमेंट सपोर्ट से रिलेटेड इशू है, इसका मतलब है फॉर हेल्प यू विथ एंटरिंग पेमेंट इन्फॉर्मेशन। मान लो आपने आपका बैंक डिटेल डाल दिया है मगर जो भी बैंक डिटेल डाला है उसमें कुछ एरर था मगर अब अभी उस बैंक डिटेल का जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट नहीं कर पा रहे हो तो आपको जो प्रोडक्ट सपोर्ट टीम है उसका हेल्प लेना पड़ेगा। तो उस टाइम पर आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पेमेंट। ये पेमेंट वाला ऑप्शन किस लिए है ये भी मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है फॉर हेल्प विथ अपडेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड पेमेंट स्टेटस। तो यहाँ पे अगर मान लो कि आपका जो पेमेंट है उसका जो इनवॉइस है वो जेनरेट नहीं हुआ है इस महीने का या फिर पिछले महीने का या फिर कोई भी महीने का जो इनवॉइस है वो जेनरेट नहीं हुआ है या फिर पेमेंट आपको बराबर से नहीं मिला है, इससे रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर पेमेंट स्टेटस जो आप देखना चाहते हो वो नहीं आया है, ऐसा कोई भी रिलेटेड इशू है तो आपको सिंपली से सिलेक्ट करना है ये दूसरा वाला ऑप्शन। और तीसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों ये है बग एंड प्रोडक्ट सपोर्ट। अगर मान लो आपके फेसबुक पेज पे आपका एक इशू हुआ है, मान लो से फॉर एग्जांपल आपका इशू था आपके वीडियो पे पहले पहले ऐड आ रहा था फेसबुक वीडियोस पे पेज के मगर सर्टेनली आपके पेज के जो वीडियोस है उस पर बिल्कुल भी ऐड नहीं आ रहा है, ऐड आना बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गया है, तो ये एक बग भी हो सकता है, ये एक एरर भी हो सकता है क्योंकि आफ्टर ऑल ये जो फेसबुक का ऐड है जो आता है वो भी एक मशीन से, मशीन लर्निंग सिस्टम है, मशीन उसको जनरेट करके भेजता है टारगेटेड ऑडियंस को वो जो ऐड प्रोवाइड करते हैं, तो इस पर एरर हो सकता है मशीन का। तो तब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जेन्युइन से लग रहा है कि आपके वीडियोस पे ऐड नहीं आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड इशू है, आपके पेज से रिलेटेड इशू है, तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो ये थर्ड वाला ऑप्शन।
तो आप दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको कि आपको इस सारे ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है। मैं एक ऑप्शन को खोल के दिखा दूंगा, बाकी सारे ऑप्शन भी वैसे ही रहेगा। तो मैं पेमेंट वाला ऑप्शन ही खोल के आपको अभी दिखा रहा हूँ। तो पेमेंट में मैंने क्लिक कर दिया दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा नया एक पेज खोल के आएगा। तो यहाँ से आपको, क्योंकि आप एड ब्रेक यहाँ पे देख सकते हो, एड ब्रेक और उसके बाद ये सब ऑडियंस, ये सब दूसरा ऑप्शन है। तो आपको एडवर्टाइज से रिलेटेड इशू है, क्योंकि एडवर्टाइज से ही हम लोगों का इनकम जनरेट होता है। तो आप इसको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपका जो कंपनी नेम है बोल रहा है, से फॉर एग्जांपल मेरा पेज नेम है त्रिपुरा, तो मैंने त्रिपुरा यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपका कौन सा रिलेटेड इशू है, एड ब्रेक है, लॉन्च पैड है, राइट मैनेजर है। तो मान लो आपका एड ब्रेक है, तो आपने एड ब्रेक सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है व्हाट कैन वी हेल्प यू विथ। तो आपका अगर इशू है पेमेंट स्टेटस रिलेटेड, कि आपका इनवॉइस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, मगर या फिर आपका जो पेमेंट है वो रिलीज नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी इशू है, तो आप सिंपली से इसको क्लिक कर लेना। तो जैसे ही क्लिक करोगे थोड़ा सा नीचे आ जाओ, नीचे आके आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक दुविधा का सामना करना पड़ेगा। ये आता है नॉट फाउंड। इसके लिए आप लोग सिंपली से यहाँ पे अदर्स सिलेक्ट कर देना। अदर्स सिलेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आप लोग जो है आपका जो पेज का लिंक है इसको सिंपली से यहाँ पे पेस्ट कर देना है कॉपी करके। और उसके बाद दोस्तों ये है पूरा मेन सेक्शन, ये है डिस्क्रिप्शन सेक्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डिस्क्राइब हाउ वी कैन हेल्प सपोर्ट यू। तो यहाँ पे आपको लिखना है आपका क्या इशू है, वो भी इंग्लिश में ही लिखना, क्योंकि फेसबुक का जो सपोर्ट टीम है वो अभी भी इतना मतलब फैल नहीं गया है कि इंडिया में भी अवेलेबल है। आप हिंदी में या कम्युनल लैंग्वेज में लिखोगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा। बेहतर रहेगा आप लोग इजी इंग्लिश में डिस्क्राइब कर देना आपका क्या इशू है। मान लो कि आपका इशू है पेमेंट रिलेटेड, कि आप इनवॉइस जनरेट हुआ है मगर आप पेआउट सेक्शन पे जब भी जाते हो तो आपको इनवॉइस नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देना है, वो भी इंग्लिश में, कि मेरा ऐसा ऐसा इशू है। यहाँ पे लिख देना, हाय फेसबुक टीम, आई एम नॉट रिसीविंग माय इनवॉइस, पेमेंट रिलेटेड इनवॉइस, प्लीज़ क्लियरिफाई माय डाउट, आई वेटिंग फॉर योर एज सुन एज पॉसिबल यू प्लीज़ रिप्लाई। ऐसा करके आपको लिख देना है यहाँ पे, जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आपका इशू है उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में यहाँ पे सेंड बटन में एक क्लिक करना है, तो आपका जो क्वेरी है या फिर आपका जो इशू है वो फेसबुक टीम, इंजीनियरिंग टीम जो है बैकएंड में काम करते हैं, उन लोगों तक पहुंच जाएगा। तो आशा करता हूं आज का जो ये वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि ये लिंक के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन आया इसके ऊपर, रिसर्च करके ये लिंक को ढूंढ के आप लोगों के लिए निकाला। आशा करता हूँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सुझाव है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बोलना। नेक्स्ट अगर आपको ऐसे ही कोई वीडियो का रिक्वेस्ट है तो ज़रूर रिक्वेस्ट भी रेज कर देना कमेंट बॉक्स पे, तो मैं अगले वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग अच्छे रहो, खुश रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।